नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। आज हम बात करेंगे एक एमटेक पढ़े लिखे किसान के कमाल की। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में लाखों का पैकेज छोड़कर युवा खेती करने का काम शुरू करता है। नवाचारों के साथ खेती करके इस युवा किसान ने कमल पाटीदार, जिसका नाम है, आम किसानों से एक अलग हटकर कॉकपिट पर सब्जियों की पौध तैयार करके इन्हें बेचने का काम शुरू किया। आज इस किसान की कमाई का सालाना टर्नओवर आप अंदाजा लगाइए क्या होगा। जी हां, करोड़ों में यह है सालाना टर्नओवर, जो कि एक मिसाल बन चुका है। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में लाखों का पैकेज और वहां की तमाम सुख सुविधाओं को छोड़कर कोई खेती करना शुरू कर दे तो आप क्या कहेंगे? आप भी ये सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन यह चौंकाने वाली कहानी है ही। झालावाड़ जिले के भवानी मंडी तहसील के गुआरीखेड़ा गांव के कमल पाटीदार की दरअसल ये कहानी है। खेती में नवाचार करके इस किसान ने एक मिसाल कायम की है और आज किसान की कमाई का सालाना टर्नओवर करोड़ों में है। नौकरी में लाखों का पैकेज छोड़ा, खेती में दिखाई इंजीनियरिंग, नवाचार करके बना मिसाल, आज सालाना टर्नओवर करोड़ों में। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में लाखों का पैकेज, चमचमाते वातानुकूलित माहौल और वहां की तमाम सुविधाओं को छोड़कर कोई यदि खेती करना शुरू कर दे तो आप इसे क्या कहेंगे? आप भी ये सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन ये चौंकाने वाली कहानी है झालावाड़ जिले की भवानी मंडी तहसील के गुआरीखेड़ा गांव के कमल पाटीदार की। कमल पाटीदार को एमटेक करने के बाद एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी मिल गई थी। कमल को ये नौकरी अच्छी भी लगी। इस नौकरी में पैसा और सुविधाएं दोनों थे, लेकिन एमटेक की शिक्षा हासिल कमल पाटीदार की सोच थी कि वो खेती करे और अपने पिताजी का सहारा बन सके। बस फिर क्या था, ऐसे में कमल पाटीदार गांव आ गए और अपने पिताजी के साथ मिलकर खेती शुरू कर दी। लेकिन उन्हें कुछ नवाचार करना था, ऐसे में उन्होंने अन्य किसानों से अलग हटकर कॉकपिट और सब्जियों की पौध तैयार करके इन्हें बेचने का काम शुरू कर दिया। इन दिनों किसानों का जहां खेती से मोह भंग होता जा रहा है, वहीं झालावाड़ जिले का ये किसान खेती में नवाचार अपनाकर इन दिनों दूसरों के लिए एक मिसाल बना हुआ है। कमल पाटीदार नाम के इस किसान ने अपने गांव में श्रीजी नाम से नर्सरी की स्थापना की और आज वो पूरी तरह से आधुनिक खेती पर काम कर रहा है। ऐसे में उनकी खेती फायदे का सौदा साबित हुई है और इन दिनों ये किसान करोड़ों की कमाई कर रहा है। कमल पाटीदार की कमाई का सालाना टर्नओवर 1 करोड़ रुपया है। शुरू से बचपन से ही मेरे को प्रकृति से लगाव था, तो जॉब के साथ साथ ही मैंने ये काम लगभग शुरू कर दिया था। लगभग साल भर मैंने जॉब के साथ साथ ये काम किया, 1.5 लाख रुपया कर्जा लेके और ये काम शुरू किया था। पहले साल मैंने लगभग 50,000 पौधे, या आप पीछे शेड नेट हाउस देख रहे हैं, इस शेड नेट हाउस में ये नहीं था उस टाइम। मैंने सबसे पहले 5 इसका बम्बू का ऐसे नेट खरीद के लाया मार्केट से और इस तरह से स्ट्रक्चर तैयार किया और उसमें मैंने सबसे पहले 50,000 पौधे तैयार किए पहले साल। और ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रे,
स्प्रे में एक कोकोपीट है, नारियल का, बेसिक नारियल का खाद होता है ये, इसमें ये डालते हैं तो इसमें क्या होता है जर्मिनेशन पूरा आता है। अच्छा। और जब अपन उस पौधे को निकाल के और जमीन पर ट्रांसफर करते हैं तो पौधा 100% आपको प्रोडक्शन देता है और 100% पौधा आपका जर्मिनेट करता है, पूरा ग्रो करता है, उसकी जड़ डिस्टर्ब नहीं होती, इस वजह से पौधे में बीमारी कम आती है। तो ये इस पद्धति से मैंने पौधे तैयार करके बेचना शुरू किए और आसपास जब किसानों को पता चला, मैंने थोड़ा बहुत मार्केटिंग किया इसका, किसानों को पता चला, जब किसान पहले साल मेरे से डरते डरते 50,000 पौधे ले गए, 100-200 पौधे, 50 पौधे कौन ले जा रहा है, इस तरह से मैंने पहले साल अलग अलग किसानों को 100-150 किसानों को 50,000 पौधे दिए थे। जब किसानों को पहले साल उसका रिजल्ट मिला तो किसान खुद आश्चर्यचकित थे, इतना अच्छा रिजल्ट उनको मिला। तो जो मैंने पहले साल 50,000 पौधे तैयार किए थे, दूसरे साल जस्ट मैंने 5,00,000 पौधे तैयार किए और वो 5,00,000 पौधे भी उसी तरह से बिक गए जिस तरह से वो 50,000 पौधे बिके थे। उसके बाद तो फिर मैंने जैसे वो बांस वाला स्ट्रक्चर था उसको निकाल के ये पक्का वाला स्ट्रक्चर तैयार किया। इसमें मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से एड मिली थी 75%, ये लगभग 30,00,000 का स्ट्रक्चर था मेरे, इसमें लगभग 6,00,000 रुपए के आसपास मैंने इन्वेस्ट किया था, बाकी गवर्नमेंट ने इसमें मेरे को सब्सिडी दी थी। उसके बाद फिर जब हम इसको पूरा भरते हैं तो लगभग इसमें 30,00,000 पौधे आ जाते हैं, 30,00,000 पौधे इसमें पूरे भर जाते हैं। और लगभग ये हमारा सीजन का काम होता है, 3 से 4 महीने का आप देख रहे हैं ये सब काम चल रहा है, ये सोइंग चल रही है बीज की, ये अभी हम यहाँ से इसको डाल के बीज को और इसके अंदर एक लगभग 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर पे इसको रख देते हैं, उसके बाद ये 4 से 5 दिन में उग जाएगा। उसके बाद 30 दिन का जैसे पौधा होता है किसान कंप्लीट लेने के लिए इसको खड़ा रहता है, ये कंप्लीट ऑर्डर के ऊपर हम माल तैयार करते हैं। कहाँ कहाँ तक पौधे जाते हैं? यहाँ से पौधे सर लगभग ये मान लो आप MP में मेरे पास मंदसौर उज्जैन तक की बुकिंग्स आती है, इसके अलावा आपका राजस्थान में कोटा 12 बूंदी तक माल जाता है, कोटा के आसपास के जितने भी फार्मर हैं यहाँ से बैंगन मिर्ची टमाटर शिमला मिर्ची के पौधे ले जाते हैं, उसके अलावा पोली हाउस में जो लोग मंदसौर के आसपास खेती करते हैं वो लोग खीरा जो स्पेशल वैरायटी आती है पोली हाउस की वो हम तैयार करते हैं उनके लिए। इस तरह से लगभग ये मान लो आप 100-125 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ से पौधे हम बेचते हैं। कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है यहाँ पर? रोजगार सर नर्सरी में लगभग 17 लोगों को मैंने रोजगार दिया हुआ है, 17 लोग मेरे पास काम करते हैं नर्सरी में। उसके अलावा रेस्टोरेंट है मेरे पास, उसमें लगभग 20 लोगों का स्टाफ है, 20 लोग रेस्टोरेंट में काम करते हैं। आगे क्या और प्रोसेस है आपकी काम को लेकर? आगे हमारा अभी इस नर्सरी को बढ़ाने का चल रहा है, इसकी ब्रांच हमने अभी भवानी मंडी में स्टार्ट करी है, इसके अलावा कोटा में एक ब्रांच हम शुरू कर रहे हैं बहुत जल्दी नर्सरी। टर्नओवर कितना क्या है? टर्नओवर पिछले साल का टर्नओवर था हमारा लगभग 1,20,00,000 रुपए। इस साल अब देखो कैसा साल निकलता है, बारिश और प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। तो किसान को पिछले साल जो बीमारियां बहुत आई, जो माल यहाँ से ले जाते हैं किसान वो जमीन में लगाते हैं, तो पिछले साल क्या अधिक बारिश की वजह से माल खराब ज्यादा हुआ। इस साल मेरे को यहाँ से उम्मीद कम है थोड़ी सी, इस साल टर्नओवर थोड़ा सा इस वाले फील्ड का कम रहेगा। बाकी नर्सरी का हमारा इस साल बड़ा है, रेस्टोरेंट का इस साल बड़ा है, इसके अलावा हमारा एक और काम है जैसे किराए पे हम शादियों में पौधे प्राकृतिक पौधे उपलब्ध करवाते हैं, उसका पिछले साल का टर्नओवर था हमारा लगभग 7,00,000, इस साल जस्ट 3 गुना हुआ है, 20,00,000 रुपए का लगभग का काम इस गर्मी में हमने किया है। आपने आधुनिक तरीके से नर्सरी तैयार कर रखी है और आज के जमाने में कई युवा गाँव छोड़कर शहरों की ओर जाते हैं, आप अपने गाँव की ओर आए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं गांव में आने के बाद, मैं अपने परिवार के साथ हूँ, ये मम्मी है, सिस्टर है, मेरी वाइफ है, सब हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। साल 2011 से पहले इस किसान ने नौकरी छोड़कर 7 बीघा खेत पर 1,00,000 रुपया कर्ज लेकर नर्सरी की शुरुआत की थी। उस समय कमल पाटीदार के परिजनों का मानना था कि खेती में नर्सरी कमाई का सौदा साबित नहीं होगी। ऐसे में शुरू में किसान कमल पाटीदार के इस फैसले का विरोध भी हुआ, लेकिन उसने इसे एक चुनौती के रूप में लिया।
ये मान लो आप एमपी में मेरे पास मंदसौर उज्जैन तक की बुकिंग्स आती है, इसके अलावा आपका राजस्थान में कोटा बारां बूंदी तक माल जाता है, कोटा के आसपास के जितने भी फार्मर हैं यहाँ से बैंगन मिर्ची टमाटर शिमला मिर्ची के पौधे ले जाते हैं, उसके अलावा पोली हाउस में जो लोग मंदसौर के आसपास खेती करते हैं वो लोग खीरा जो स्पेशल वैरायटी आती है पोली हाउस की वो हम तैयार करते हैं उनके लिए। इस तरह से लगभग ये मान लो आप 100-125 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ से पौधे हम बेचते हैं। कितने लोगों को रोज़गार मिला हुआ है यहाँ पर? रोज़गार सर नर्सरी में लगभग 17 लोगों को मैंने रोज़गार दिया हुआ है, 17 लोग मेरे पास काम करते हैं नर्सरी में। उसके अलावा रेस्टोरेंट है मेरे पास, उसमें लगभग 20 लोगों का स्टाफ है, 20 लोग रेस्टोरेंट में काम करते हैं। आगे क्या और प्रोसेस है आपकी काम को लेकर? आगे हमारा अभी इस नर्सरी को बढ़ाने का चल रहा है, इसकी ब्रांच हमने अभी भवानी मंडी में स्टार्ट करी है, इसके अलावा कोटा में एक ब्रांच हम शुरू कर रहे हैं बहुत जल्दी नर्सरी। टर्नओवर कितना क्या है? टर्नओवर पिछले साल का टर्नओवर था हमारा लगभग 1,20,00,000 रुपये। इस साल अब देखो कैसा साल निकलता है, बारिश और प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। तो किसान को पिछले साल जो बीमारियां बहुत आई, जो माल यहाँ से ले जाते हैं किसान वो ज़मीन में लगाते हैं, तो पिछले साल क्या बारिश अधिक बारिश की वजह से माल ख़राब ज़्यादा हुआ। इस साल मेरे को यहाँ से उम्मीद कम है थोड़ी सी, इस साल टर्नओवर थोड़ा सा इस वाले फील्ड का कम रहेगा। बाकी नर्सरी का हमारा इस साल बड़ा है, रेस्टोरेंट का इस साल बड़ा है, इसके अलावा हमारा एक और काम है जैसे किराए पे हम शादियों में पौधे प्राकृतिक पौधे उपलब्ध करवाते हैं, उसका पिछले साल का टर्नओवर था हमारा लगभग 7,00,000, इस साल जस्ट 3 गुना हुआ है, 20,00,000 रुपये का लगभग का काम इस गर्मी में हमने किया है। आपने आधुनिक तरीके से नर्सरी तैयार कर रखी है और आज के ज़माने में कई युवा गाँव छोड़कर शहरों की ओर जाते हैं, आप अपने गाँव की ओर आएँ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं गांव में आने के बाद, मैं अपने परिवार के साथ हूँ, ये मम्मी है सिस्टर है मेरी वाइफ है, सब हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। श्याम जी जैसे कि आपके पुत्र कमल को आपने पढ़ाया लिखाया, उनकी जॉब भी लगी थी चंडीगढ़ में, वो छोड़ के आ गए हैं और वो कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं नर्सरी में, कैसा लग रहा है आपको, क्या उम्मीद थी आपको और किस उम्मीद पर काम कर रहे हैं? नहीं उम्मीद है तो बहुत रहती है बच्चों से, और जॉब छोड़ाने के लिए मैंने इसको बोला, मैंने ये जो प्रोजेक्ट है पूरा इसको बताया और इसको समझ में आया तो इसने इसको फॉलो किया, हम दोनों ने मिलकर इसको कर रहे हैं, तो ये इस स्थिति पे आज हम खड़े हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। एमटेक पास इस किसान कमल पाटीदार ने इलाके में पहली बार नर्सरी में नई तकनीक का प्रयोग करते हुए सीडलिंग ट्रे और कोकोपिट में 50,000 पौधे मिर्च टमाटर गोभी बैंगन खीरा और करेले के तैयार किए। उस समय उसने बाजार से कर्ज लेकर ये काम शुरू किया था। ग्रीन हाउस को सतत पानी मिले इसलिए इस किसान ने अपने खेत पर सोलर पंप सेट भी लगवाया। इसके साथ ही पानी के महत्व को समझते हुए ये बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से खेती कर रहे हैं। पहले साल में आसपास के गांव के लोगों ने यहीं से पौधे खरीदने शुरू किए। जब किसानों ने सीडलिंग ट्रे और कोकोपिट में तैयार पौधों के परिणाम अच्छे देखे तो धीरे धीरे कमल पाटीदार के यहाँ खरीदारी बढ़ने लगी। किसान कमल पाटीदार की मेहनत का परिणाम रहा कि यहाँ दूसरे साल 5,00,000 तीसरे साल 10,00,000 चौथे साल 20,00,000 और अब 30,00,000 पौधे तैयार किए गए हैं। जब किसानों को पहले साल उसका रिजल्ट मिला तो किसान खुद आश्चर्यचकित थे, इतना अच्छा रिजल्ट उनको मिला। तो जो मैंने पहले साल 50,000 पौधे तैयार किए थे, दूसरे साल जस्ट मैंने 5,00,000 पौधे तैयार किए और वो 5,00,000 पौधे भी उसी तरह से बिक गए जिस तरह से वो 50,000 पौधे बिके थे। उसके बाद तो फिर मैंने जैसे वो बांस वाला स्ट्रक्चर था उसको निकाल के ये पक्का वाला स्ट्रक्चर तैयार किया,
किया। इसमें मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से एड मिली थी 75%। ये लगभग 30 लाख का स्ट्रक्चर था, मेरे इसमें लगभग 6 लाख रुपए के आसपास मैंने इन्वेस्ट किया था, बाकी गवर्नमेंट ने इसमें मेरे को सब्सिडी दी थी। उसके बाद फिर जब हम इसको पूरा भरते हैं तो लगभग इसमें 30 लाख पौधे आ जाते हैं। 30 लाख पौधे इसमें पूरे भर जाते हैं। और लगभग ये हमारा सीजन का काम होता है, 3 से 4 महीने का आप देख रहे हैं ये सब काम चल रहा है। ये सोइंग चल रही है बीज की, ये अभी हम यहाँ से इसको डाल के बीज को, और इसके अंदर एक लगभग 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर पे इसको रख देते हैं। उसके बाद ये 4 से 5 दिन में उग जाएगा। उसके बाद 30 दिन का जैसे पौधा होता है, किसान कंप्लीट लेने के लिए इसको खड़ा रहता है। ये कंप्लीट ऑर्डर के ऊपर हम माल तैयार करते हैं। कहाँ कहाँ तक पौधे जाते हैं? यहाँ से पौधे सर लगभग ये मान लो आप MP में मेरे पास मंदसौर उज्जैन तक की बुकिंग्स आती है। इसके अलावा आपका राजस्थान में कोटा 12 बूंदी तक माल जाता है। कोटा के आसपास के जितने भी फार्मर हैं यहाँ से बैंगन मिर्ची टमाटर शिमला मिर्ची के पौधे ले जाते हैं। उसके अलावा पोली हाउस में जो लोग मंदसौर के आसपास खेती करते हैं वो लोग खीरा जो स्पेशल वेराइटी आती है पोली हाउस की वो हम तैयार करते हैं उनके लिए। इस तरह से लगभग ये मान लो आप 100-125 किलोमीटर के रेडियस में यहाँ से पौधे हम बेचते हैं। कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है यहाँ पर? रोजगार सर नर्सरी में लगभग 17 लोगों को मैंने रोजगार दिया हुआ है। 17 लोग मेरे पास काम करते हैं नर्सरी में। उसके अलावा रेस्टोरेंट है मेरे पास, उसमें लगभग 20 लोगों का स्टाफ है, 20 लोग रेस्टोरेंट में काम करते हैं। गुराड़े क्षेत्र में कमल पाटीदार ने जिसने अपनी नौकरी छोड़कर नर्सरी का काम किया, कृषि क्षेत्र में काम किया, आधुनिक तौर पर कैसा लग रहा है आपको? आप भी पौधे वगैरह लेते हैं, कैसा लग रहा है? हमें अच्छा तो इसलिए लग रहा है कि हम आज तक जो खेती करता है वो पुरानी पद्धति से करता है, और उसमें इतनी जल्दी ग्रोथ भी नहीं होती है और इतनी इनकम भी नहीं होती। इस कमल ने जो काम किया उसका लाभ हमें यूँ मिल रहा है कि इसने नई पद्धति से पौधे तैयार करता है और उन पौधों को हम परचेज भी करते हैं। प्रथम में हम लोग बड़े सोच समझ के लेते थे कि क्या इससे लाभ होगा कि नहीं होगा, पौधे चलेंगे नहीं चलेंगे, और अब हमें विश्वास हो गया तो हम यहाँ से पौधे खरीदते हैं। और इस नर्सरी से जो कमल ने लगाई इससे 100 किलोमीटर की रेंज के लोगों को फायदा होगा। किसी समय कमल पाटीदार किसी कंपनी में खुद नौकरी करता था, आज खेती में नई तकनीक का प्रयोग करके उसने 20 लोगों को अपने यहाँ रोजगार दिया है। खेती शुरू करने से पहले कमल पाटीदार ने कृषि विज्ञान केंद्र से तकनीकी सहयोग लिया। उन्हें कृषि वैज्ञानिक मधुसूदन आचार्य और रामराज मीणा ने तकनीकी जानकारी और सहयोग दिया। इन्हीं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के बाद पाटीदार ने नर्सरी की स्थापना करके अच्छी कमाई की और आज वो पूरे जिले में एक मिसाल बना हुआ है। एमटेक की पढ़ाई करने के बाद भी कमल पाटीदार ने खेती में ऐसा कर दिखाया है जो वाकई में काबिले तारीफ है। इस युवा ने इलाके के किसानों के सामने एक मिसाल तो पेश की ही है, साथ ही उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित भी किया है। और अब इस युवा और शिक्षित किसान की सफलता को देखकर इलाके के दूसरे किसान भी कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं। अनीस आलम, इंडिया न्यूज, झालावाड़।